चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भोपाल से आ रही है, रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं। 1200 वर्ग फीट जगह में शुरू होगा रेल कोच रेस्टोरेंट। भोपाल स्टेशन सहित कई और स्टेशन पर शुरू होगा रेल मंडल में भी कोच रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी। पहले चरण में भोपाल के अलावा इटारसी और बिना स्टेशन पर इसे संचालित करने का कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता वैभव जी की। और वैभव जी, रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत होने जा रही है जिसमें रोजगार की भी संभावनाएं हैं, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल ऋतु, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और अब आत्मनिर्भर रेलवे, रेलवे भी आत्मनिर्भर हो रहा है और रोजगार के नए नए तरीके खोज रहा है ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और युवा खुद को आत्मनिर्भर बना के रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो माफ कीजिएगा, भोपाल, इटारसी और होशंगाबाद में रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। स्टेशनों पर ही रेल कोच बनाए जाएंगे, यहाँ पर गुणवत्ता तरीके इसका जो खाना होता है, क्योंकि रेलवे के खाने को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं, ऐसे में अच्छा खाना यात्रियों को कैसे मिल सकता है, इसको लेकर रेलवे लगातार कोशिशें कर रहा था, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, सर्वे कर रहा था, फीडबैक ले रहा था। तो इसके बाद रेलवे को जो अनुभव हुआ, रेलवे को एक तरह से कह सकते हैं कि यात्रियों के द्वारा ही जो फीडबैक दिया गया, उसके बाद अब रेलवे ने रेल कोच रेस्टोरेंट को संचालित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की शुरुआत कर दी है। भोपाल, इटारसी, बीना में, बीना के जो स्टेशन है, जल्द ही हम यहाँ पर देखेंगे कि रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा। जब रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होगा तो यहाँ से रोजगार भी युवाओं को मिलेगा, क्योंकि एक रेस्टोरेंट की जब शुरुआत होती है तो करीबन 20 से 30 लोगों का स्टाफ की जरूरत होती है, और जैसे जैसे रेस्टोरेंट बढ़ता है, यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ है उसे भी बढ़ाना होता है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, यात्रियों को अच्छा खाना भी मिलेगा और रेलवे की जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होगा। तो एक तीर से तीन निशाने रेलवे के द्वारा साधे जा रहे हैं, तो एक अच्छी शुरुआत रेलवे के द्वारा की जा रही है कि युवाओं को रोजगार देने के साथ यात्रियों को गुणवत्ता युक्त खाना मिलेगा, क्योंकि खाने पर ही रेलवे के सवाल खड़े होते हैं। जी बाबा जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। रेल मंडल में भी अब रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है, 1200 वर्ग फीट जगह में रेस्टोरेंट बनेगा। आपको बता दें कि पहले भोपाल, इटारसी और उसके बाद बीना स्टेशन पर इसे संचालित किया जाएगा।